आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चेक लिस्ट है जिसमें किस किस पर्सन ने क्या क्या आईडी प्रूफ को जमा किया है। तो कंपनी कहती है कि भाई एनीवन, मतलब एक आईडी प्रूफ कम से कम चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए, लेकिन बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं कि दो जमा कर देते हैं, कुछ लोग तीन तीन जमा कर देते हैं। अब यहाँ पे कंपनी को स्टेटस मार्क करना है ओके और पेंडिंग। तो ओके और पेंडिंग सिर्फ करना है तो हमने लास्ट क्लास में बताया था और का फॉर्मूला कि हमने यहाँ पे लिया इक्वल टू वाई, फिर सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई और इस तरह से वाई 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 करते चले गए थे और रिजल्ट हमने अपना ले लिया था। आई थिंक आपको याद होगा क्या मैं अंदर जी, और नीचे की तरफ हमने इसको इसके रैक किया। अब इसमें ट्रू फॉल्स लगा, ट्रू फॉल्स को इफ लगा के ओके पेंडिंग कर लिया था, बट इस बार ओके पेंडिंग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इसने पैन जमा किया तो यहाँ पे पैन जो होना चाहिए। अच्छा, इसने यहाँ पे डीएल जमा किया तो यहाँ पे डीएल होना चाहिए, इस तरह से। नहीं जमा किया वहां पे पेंडिंग आना चाहिए, राइट। तो ए एंड इस ए और इफ की मदद से तो होगा नहीं, इसके लगाना होगा इफ। एक इफ के अंदर दूसरा है, तीसरा, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ, लेकिन एक्सेल की बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं एल्स इफ। इफ हमने सेलेक्ट किया, हमने बोला अगर ए वाई है तो पैन को शो करे, तो हेडिंग ही ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। इसको फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद फिर मैंने अगेन इफ दिया, इफ सर अगर फ्रीज क्यों किया सर? तो ड्रैग करेंगे तो 2 3 4 5 हो जाएगा ना, इसलिए फ्रीज कर दिया, ओके सर। क्योंकि हमारा पे फिक्स है ना, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये वाई शो करेगा आपका पेन की जगह पे। तो वाई अगर ऐसा हुआ तो डीएल आप इन्वर्टर कॉमा में लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन मैं यहाँ इन्वर्टर कॉमा यूज नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए। सर फ्रीज करने के लिए क्या F2 प्रेस करना पड़ता है सर? F4, F4, इफ ओके ठीक है सेलेक्ट सर। किया एंड बोला कि अगर ए वाई है तो क्या करे, वोटर आईडी को शो करे, राइट। फिर हमने यहाँ पे अगेन इफ का फॉर्मूला लगाया, अगर ए इक्वल टू वाई है तो पासपोर्ट को शो करे, और फिर सॉरी मैं डिलीट कर दिया। हाँ, और फिर इफ लास्ट में यू आई डी है तो यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे यू आई डी शो करे, नहीं तो पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग होने के चांसेस एक ही बार है, तो हमने लास्ट में पेंडिंग लिखा। अब ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर प्रेस करेंगे खुद ब खुद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब सोचिए, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से पेन हटा देता हूँ तो देखिए डी पासपोर्ट आ गया, अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ तो वोटर आ जाएगा, इस तरह से हो सकता है। अब इसी में अब इसको समझिए कि वर्क कैसे कर रहा है। ये सिंपल मेथड इसका है, ये B2 को चेक किया, अगर B2 Y है तो सीधे वो रिजल्ट जो है B1 की रिजल्ट को शो करेगा और क्या करेगा, बाकी इफ को चलाएगा यानी इग्नोर कर देगा। मतलब यहाँ हुआ कि पहले एंड वाले मेथड में क्या था कि अगर एक इफ को अगर मिलता है तो दूसरा इफ चलता था, यहाँ पे क्या है कि एक इफ को अगर मिल गया वाई तो ये बंद, वो बाकी इफ को बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में, समझे। अगर वाई ना मिलेगा तो ये आपका दूसरा इफ फॉरवर्ड होगा, अब दूसरा इफ को वाई मिला तो सीधे यहाँ पे C1 दे देगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर तीसरा चलेगा, फिर तीसरा को मिल गया तो शो कर देगा, नहीं तो फिर ये चौथा चलेगा, चौथा को मिल गया है, मिल गया तो फिर इवन ये आपका ऊपर हेडिंग दे देगा, नहीं तो फिर पांचवा चलेगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला पांचवे तक उसको ना मिलेगा देन वो क्या करेगा, यहाँ पेंडिंग को शो करेगा, समझे। अब इस तरह की फॉर्मूले आप लगा सकते हैं।